पढ़ाई करने आई थी। बहुत सारे लोग यहाँ स्टूडेंट्स बैठे होंगे, यस या नो? थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, सबसे ज्यादा बधाई देना चाहूंगी क्योंकि आप बेस्ट जगह बैठे हो, बेस्ट करियर के लिए चुनाव करने के लिए बैठे हो, क्योंकि जिंदगी क्या चुनावों का परिणाम है, यस या नो? जिंदगी चुनावों का परिणाम है। मैंने भी इस बिजनेस को चुना। मैं आपको अगर डिग्रीज की बात करूं तो मैं ऑलरेडी MSc इन बायोटेक हूं, अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट हूं, जीवाजी यूनिवर्सिटी में टॉप 10 रैंक में रही हूं, BEd कर रखा है, PGDCA कर रखा है, एयर होस्टेस ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखी है, एज अ जेट एयरवेज मैं एयर होस्टेस सेलेक्टेड भी हूं। उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब का भी ऑफर्स आया, लेकिन सारी चीजें आज साइड करके फुल टाइम आज कुछ भी नहीं करती है सोनिका, सिर्फ करती है सेफ शॉप। जो दाता लिया। मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बताऊं तो मेरे मॉम डैड दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में, बहुत अच्छी इनकम है, सारी चीजें जैसे सर ने कहा, पैसों की कभी कोई कमी नहीं देखी, और इसके लिए मैं अपने तहे दिल से अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, लेकिन एक छोटी सोच थी मेरी सिर्फ 20-25 हजार रुपए की। कितने की? कि 20-25 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए यार, लाइफ सेट हो जाएगी, यस या नो? हम भी यही सोचते हैं ना, क्योंकि हम रहते तो उसी कुएं वाले मैठक की सोच में, यस या नो? और मैं भी ऐसे ही सोचती थी, और आप सोच के देखिए, लेकिन अनजान व्यक्ति के माध्यम से मुझे इस बिजनेस को देखने का ग्वालियर में मौका मिला। लोग तो पहचान वालों पे विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने अनजान व्यक्ति पे बिलीव करके इस बिजनेस की शुरुआत की, क्योंकि ये सिस्टम इतना दमदार है, इसकी जो लीडरशिप देखी तो मुझे लगा यहाँ बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि 8-10 हजार रुपए में मर जाएगा क्या? 8-10 हजार, चार दोस्त मिलते हैं पार्टी में खत्म हो जाते हैं, यस या नो? वैलेंटाइन डे आता है उसमें खत्म हो जाते हैं, यस या नो? बहुत सारी चीजों में हम यूं ही खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात आती अपनी करियर की तो मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, बनते श्रवण कुमार, यस या नो? लेकिन मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता था मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मुझे पता था कि अगर इसमें मैं कर लेती हूँ तो आगे ही बढ़ने वाली हूँ, और ऐसे करके शुरुआत किया। सबसे पहले मैंने अपने लिए, अगर अचीवमेंट्स की बात बताऊं तो सबसे पहले मैंने अपने लिए स्कूटी परचेस की। बहुत सारे लोग टू व्हीलर पे घूमते हैं, लेकिन मम्मी पापा के में घूमते होंगे, लेकिन हम अपनी खुद की घूमते हैं, वो भी लड़की होकर। बहुत सारे लड़के घूमते हैं पापा की बाइक पे, थैंक यू। दूसरी बात, फिर मैंने अपने एक लैपटॉप परचेस किया, फिर मैंने अपने लिए एक प्रोजेक्टर परचेस किया, और मैं सच बता रही हूँ, ये जो बिजनेस है ना, जब हम मार्केट में जाते थे तो ये नहीं देखता कि लड़का है कि लड़की है, ये नहीं देखता लड़का है कि लड़की है, ये नहीं देखता औरत है या आदमी है, उसके सिद्धांत जो है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, करना तो उसको वही पड़ता है, उसके सिद्धांत वही होते हैं। थैंक यू। मैंने इसके सिद्धांतों को सुना, मैंने इसके सिद्धांतों को समझा, ट्रेनिंग्स में आया करते थे, अपलाइन के द्वारा बताई गई ट्रेनिंग से बोला जाता था कि सोनिका 5 साल लगातार इस काम को करना पड़ेगा, 1000 लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना पड़ेगा, और 1 साल सीखने के लिए काम करना पड़ेगा। आपको भी बताया गया होगा, यस या नो? और ऐसे ही मैंने काम किया और करती रही, और ठीक कुछ समय बाद आज सोनिका खुद की कार में घूमती है।